दोस्तों, मेरा नाम अमित है और आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल अमित वाइटी में स्वागत है। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि दोस्तों, आप लोग जो अपने Facebook स्टोरी में कोई भी स्टोरी दोस्तों एक मिनट से ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो दोस्तों उसमें ऐड नहीं होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि दोस्तों अपने Facebook में एक मिनट से ज़्यादा या दो मिनट से ज़्यादा स्टोरी कैसे लगाएं। दोस्तों, उसमें बस 26 सेकंड का स्टोरी लगाने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं यही बताऊंगा कि दोस्तों आप लोग कैसे अपने फेसबुक स्टोरी में दोस्तों दो मिनट का या एक मिनट का या 30 सेकंड का आगे का स्टोरी कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा और एक भी स्टेप को मिस नहीं करना पड़ेगा। तो गाइज, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसको आपको मिले सबसे पहले। और दोस्तों, फाइनली इस ट्रिक को यूज करने के बाद भी आप लोग बोलोगे क्या बात है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सिंपल सा तरीका है, आप लोग को करना क्या पड़ेगा, सिंपल सा दोस्तों, आप लोग को अपना फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना पड़ेगा। सो गाइस, यहाँ पर मेरा फेसबुक एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। तो गाइस, यहाँ पर मैं अपने स्टोरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों, मैं यहाँ पर कोई अपना स्टोरी वगैरह यहाँ पर जैसे मैं कोई लगाना चाहता हूँ, तो ये मेरा वीडियो दो मिनट का है। तो दोस्तों, मैं इसको अपने स्टोरी पर लगाना चाहता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर अपनी स्टोरी पर शेयर का ऑप्शन मैं क्लिक करता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर जो शेयर का ऑप्शन है तो इस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो गाइस, यहाँ पर भी प्रोसेसिंग दिखा रहा है और दोस्तों यहाँ पर बस 26 सेकंड के आगे स्टोरी नहीं लगेगा। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 26 सेकंड ही लगेगा। दोस्तों, मैं यहाँ से ये वीडियो डिस्कार्ड कर देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप अपने फेसबुक में दोस्तों एक मिनट से ज़्यादा स्टोरी कैसे लगा सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले मैसेज वाले ऑप्शन पर आप लोग को क्लिक करना पड़ेगा। तो वहाँ क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पर मेरा ये जो मैसेज वाला मैसेंजर है, ये दोस्तों मैंने मैसेंजर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया था प्ले स्टोर से दोस्तों, यहाँ पर है। तो फाइनली मैं मैसेंजर को ही क्लिक कर देता हूँ। और दोस्तों, जो आप लोग स्टोरी अपने फेसबुक स्टोरी पर लगाना चाहते हैं तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, तो सिंपल सा ट्रिक है गाइस, यहाँ पर कोई अपने फ्रेंड को एक पर क्लिक कर दीजिए। और गाइस, यहाँ पर आप लोग को करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर दोस्तों एक गैलरी का ऑप्शन मिलेगा जो आप स्टोरी अपने स्टोरी में लगाना चाहते हैं। तो गाइस, मान लीजिए मैं यहाँ पर वो स्टोरी यहाँ पर मैं अभी दिखाता हूँ दोस्तों। तो गाइस, मैं वहाँ पर ये स्टोरी पहले मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। तो गाइस, यहाँ पर मैं वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और मैं वो वाला अपना स्टोरी यहाँ पर मतलब सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर सेंड और एडिट का ऑप्शन दे रहा है। सो गाइस, आप लोग को सिंपल सा एडिट पर क्लिक करना पड़ेगा। और एडिट पर दोस्तों आप लोग क्लिक करेंगे तो गाइस, यहाँ पर ऑप्शन मिल गया एडिट करने का। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को एडिट नहीं करना है, योर स्टोरी का ऑप्शन मिल रहा है। तो दोस्तों, योर स्टोरी पर क्लिक करके और यहाँ दोस्तों लिख रहा है विजिबल ऑन मैसेंजर फेसबुक एंड 24 आवर्स के, दोस्तों ऐड कर दीजिए। तो दोस्तों, जो ये स्टोरी होगी ऐड टू योर स्टोरी पर लग चुका है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ दोस्तों, मेरी स्टोरी पर मेरा दो मिनट का जो वीडियो है वो लगने जा रहा है। तो गाइज, मैं यहाँ पर फिर से अपना फेसबुक एप्लीकेशन ओपन करता हूँ। तो गाइज, मैं यहाँ पर अपना फेसबुक ओपन करता हूँ दोस्तों। अब यहाँ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो क्रिएट स्टोरी का ऑप्शन मिल रहा है दोस्तों, अभी यहाँ पर स्टोरी मेरा नहीं लगा है। तो दोस्तों, ऊपर की साइड में आप लोग को मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर अपलोडिंग वीडियो हो रहा है। अभी मेरा फेसबुक का स्टोरी नहीं लगा है दो मिनट का दोस्तों। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये वीडियो लंबा है, इसी कारण दोस्तों यहाँ पर मेरा नेट मतलब यूज़ हो रहा है और दोस्तों यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, इसी कारण दोस्तों अभी यहाँ पर ऐड नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, आप इसी प्रकार अपने फेसबुक स्टोरी में दोस्तों एक मिनट से ज़्यादा या दो मिनट से ज़्यादा की वीडियो ऐड कर पाएंगे, अब जो ट्रिक मैं बताया हूँ दोस्तों।